और आइए सीधे लिए चलते हैं आपको धार, जहां से हम डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। राणा बख्तावर सिंह जी ने जो लड़ाई लड़ी वो हमारे लिए अद्वितीय है, उनको भी स्मरण कर रहे हैं। एक दो नहीं 28-28 लोगों ने अपने प्राणों की बलिदान करके हमारा सबका मस्तक गर्व से ऊंचा किया है। जो जन्मा है वो मरेगा, मृत्यु अगर आ रही है उसका कारण एकमात्र है वो जन्म है। ऐसे में हम सब परमात्मा की दया से भगवान गोपाल कृष्ण को स्मरण करें, जिनका पूरा जीवन हम सबके लिए पाथे की तरह है, जिनका पूरा जीवन हम सबको अनुसरण करने के लिए है। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, भगवान कृष्ण ने जन्म के समय से लगा करके जो विपत्ति क्या होती है, कष्ट क्या होता है, परेशानी क्या होती है, इसकी पराकाष्ठा झेली हमने अपने जीवन में भी। और उनके जन्म के बाद से लेके जब तक भगवान रहे तब तक एक के बाद एक ऐसे घटनाक्रम सदैव उनसे जुड़े रहे, जिनमें वो स्वयं अपने मुंह से कहते हैं कि कष्ट भले ही कितने भी आ जाए लेकिन मेरा जन्म ही धर्म के लिए हुआ है, अधर्म के खिलाफ हुआ है। तो हम सब तो आज के समय में भगवान के उस चित्र को याद करें जो धर्म की लड़ाई के लिए उनने पूरा जीवन दिया, ये हमारा सौभाग्य है। गुप्त अंधेरी रात में जो दीपक का आनंद आता है, ऐसे कष्ट के समय भगवान कृष्ण इस भगवान सवित्र सूर्य नारायण की तरह चमकते दिखाई देते हैं, उनका आनंद हमको एहसास कराता है। और कदम कदम पर उनका जीवन अगर अपन देखो तो हमको लगता है कि हाँ, अगर भारत के आधुनिक समय में कोई आदर्श प्रतिमान होंगे जो हमारे आराध्य हैं वो गोपाल कृष्ण हैं। गाय तो सब पालते हैं लेकिन गोपाल के नाते से सबका मान बढ़ाने वाले अगर कोई है तो गोपाल कृष्ण भगवान है, हमारा सौभाग्य है। और गांव वालों से प्रेम कितना करते हैं, गांव वालों से प्रेम का तो उनके पास पराकाष्ठा है, दुनिया में उनका नाम हो गया, दुनिया में उनको अलग प्रकार से जानती रही। वो कौरव पांडव के महायुद्ध से लगा करके द्वारकाधीश हो गए, सोने के मुकुट के लिए लोग तरसते हैं, चांदी के मुकुट के लिए लोग तरसते हैं, लेकिन हमारे गोपाल कृष्ण केवल मोर मुकुट लग जाए इसमें आनंद महसूस करते। ये गोपाल कृष्ण की संस्कृति जीवन भर गांव से जोड़ती, ये जो उनका अंदर का भाव है, गांव की संस्कृति को सबसे पहले मान्यता देना, प्राधान्यता देना, सम्मान देना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज के इस अवसर पर जब यहाँ आया हूं मैं, हमारी सरकार बनी, हमने कहा कि हमारे सारे पर्व, तीज, त्योहार, उत्सव, ये सारे समाज में हजारों हजार साल से मनते आ रहे हैं, लेकिन इन उत्सवों को मनाने में सरकार को अंदर जाना पड़ेगा। सरकार बाहर बाहर से क्यों रहना चाहिए, सरकार का काम भी समाज के साथ चलना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अभी तक के जितने उत्सव हुए, मकर संक्रांति उत्सव, नारी सशक्तिकरण को लेकर हमने उसका पूरा आनंद से 5 दिन का उत्सव मनाया, फिर आगे बढ़े हमारा अपना गुड़ी पड़वा, नए साल की शुरुआत, विक्रम संवत की शुरुआत, ऋतु प्रबंध की शुरुआत, और नए साल की शुरुआत के लिए 1 जनवरी नहीं, गुड़ी पड़वा हमारा पहला साल का दिन है, यह हमारा सौभाग्य। जब प्रकृति रूप बदलती है, ऋतु परिवर्तन के माध्यम से फसलों की कटाई होती है, किसान के हाथ में धन संपत्ति के साथ फसल का दाम भी आता है और परमात्मा एक आशीर्वाद देता नए साल के लिए, तो ऐसे में गुड़ी पड़वा अच्छा मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए, इसलिए गुड़ी पड़वा मनाते हैं। बाद में गुरु पूर्णिमा, हमने अपने जीवन में देवताओं को आंखों से नहीं देखा है, लेकिन गुरु शब्द कहते ही गुरु से अंधेरा, रू से उजाला, गुरु बोलते अंधेरे से उजाले वाले जो हमारा मार्ग है, ये गुरु परंपरा का मार्ग है। देवता हमने नहीं देखे लेकिन गुरु महाराज को देख के हमको समझ में आ जाए कि देवता क्या होते हैं, वो आनंद हमारे लिए बरसता, उसका एहसास हमको होता है।
हमारे मन में उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों के उत्तर हमको पाना है। कई ऐसे प्रश्न जिन प्रश्नों पे हम कहीं गड़बड़ा जाते हैं तो गुरु हमको सही मार्ग पे ले जाते हैं, और इसीलिए हमारी संस्कृति गुरु परंपरा की संस्कृति है। इसलिए विश्व में भारत को भी आगे बढ़ने की इच्छा होती है तो भारत किसी देश को दबाने नहीं जाता है, किसी पे कब्जा करने नहीं जाता है, किसी का धन छीनने नहीं जाता है, लेकिन अपनी ज्ञान परंपरा की व्यवस्था के आधार पर दुनिया में विश्व गुरु बनना चाहता है, क्योंकि दुनिया के अंधेरे के कष्ट को अपने ज्ञान से उजाले में ले जाना चाहता है। इसलिए हजारों साल से हमारे लिए गुरु विश्व गुरु का सम्मान सदैव भारत को मिलता रहा है, लेकिन दुश्मन देश और दुश्मन हमारी संस्कृति के लोग सदैव हमारी सनातन संस्कृति पे आक्रमण करते आए, वो हमारे लिए सदैव संकट खड़े करते आए। लेकिन इकबाल ने कहा है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी, यूनान मिस्र रोम बड़े बड़े कितने प्रकार के देश थे, और ये तो अभी की बात है। हजारों साल से रावण 17 लाख साल पहले आया, सोने की लंका महाबलशाली 10-10 सिर थे, लेकिन रावण आया, भगवान राम पीछे पीछे आए और जय जय श्री राम करके पूरा आनंद में देश को डुबा गए। बोला जय जय श्री राम। और उसके 5000 साल पहले, अभी 5000 साल पहले कंस का पराक्रम, जरासंध की ताकत, दुनिया थर्रा रही उनके नाम से। और कंस का देखो घमंड, मैं कृष्ण को पैदा ही नहीं होने दूंगा, भगवान के ऊपर जाके बैठने की मानसिकता बन गई उसकी। लेकिन ऐसी सारी मानसिकता को धता बताते हुए जब गोपाल कृष्ण प्रकट हुए और मानव रूप में प्रकट हुए, कभी कभी हम उनको भगवान मानते, भगवान मानना भी चाहिए, लेकिन भगवान ने जो कष्ट सहन किए उसकी भी चर्चा होना चाहिए। इसलिए गुरुजी